और भारतीय नंबर है। ये देखो आप जो कार्य कर रहे हैं वही मराठी में जो बांधव लोग हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इतना मैं प्रश्न कर रहा हूँ बस। भाई साहब का सवाल है, हम जो हिंदी और उर्दू में ये प्रोग्राम कर रहे, तकरीर कर रहे, आप मराठी में क्या कर रहे हैं? यही सवाल, ऐसा ही सवाल 10 साल पहले लोग मुझसे पूछते थे कि आप अंग्रेजी में इतना काम कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते। तो चंद साल बाद हमने शुरू किया, लोग कहते थे मुझे कि आप अंग्रेजी में तकरीर कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते। मेरी उर्दू हिंदी बहुत कमज़ोर है, 2-3 साल पहले कोशिश की, काफ़ी गलतियां हैं अब भी है, अल्लाह ताला मदद कर रहा है मेरी। और माशाल्लाह अभी मजमा जो है अंग्रेजी तकरीर से ज़्यादा मजमा है माशाल्लाह, लाखों लोग बम्बई शहर में सुमैया ग्राउंड में, अल्लाह ताला इस नाचीज की कोशिश को कबूल फरमाए। आपका सवाल था कि मराठी में हम क्या कर रहे हैं। मराठी में हमारे कुछ दाई है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में जो तकरीर करते हैं। मराठी पे महारत नहीं है मुझे, सिर्फ उतनी मराठी जानता हूँ जितना मैं हॉस्पिटल में सीखा। हॉस्पिटल में जब मैं डॉक्टर बना तो पूछता था तुम्हारा काय त्रास है, तुम्हारा ताप है, तुमको क्या डिफिकल्टी है, डू यू हैव फीवर, क्या आपको बुखार है, तो ये थोड़े बहुत अल्फाज जानता हूँ मैं। लेकिन दावत हर जबान में होना चाहिए, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी पे महारत है, मैंने अंग्रेज़ी में शुरू किया, उर्दू और हिंदी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, उर्दू और हिंदी में कई मुकर्रर हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, मराठी में 1 या 2 मुकर्रर है सिर्फ। लेकिन मेरी जितनी भी किताबें हैं IRF के, जितने भी वीडियो कैसेट्स है, हमारे वहाँ कॉपीराइट्स नहीं है, नो कॉपीराइट। आप मेरे जो भी किताब चाहे तो कोई भी जबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताबें कई जबान में ट्रांसलेट हो चुकी है, इंग्लिश से सिर्फ उर्दू में हिंदी में नहीं, तमिल में, मलयालम में, रशियन में, अरबी में, कई जबानों में तर्जुमा हो चुका है। हमारे पास कोई कॉपीराइट नहीं, जो भी हिंदी और अंग्रेज़ी जानता है और उसके साथ मराठी जानता है और मेरी किताबों का तर्जुमा करना चाहता है, उसके लिए कोई ममानियत नहीं, कोई ममानियत नहीं। मेरे कैसेट को भी डब कर सकता है, इसके लिए कोई ममानियत नहीं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुबहाना ताला अगर ऐसे अफराद हमें भेजेगा जो मराठी भी जानता है तो हम उसकी मदद करेंगे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये अमन का पैगाम, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मराठी ज़बान में भी मराठी मानूस के लिए, जो लोग मराठी जानते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कितना वक्त लगेगा मैं जानता नहीं, हमारी कोशिश है कि हर ज़बान में हम इस्लाम का पैगाम फैलाए। जितनी हम कोशिश करेंगे, जितना अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दिगर ज़बान में भी अमन का पैगाम फैलाए, और हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम मराठी में भी इस्लाम का पैगाम फैलाएंगे इंशाल्लाह।